हेलो डियर स्टूडेंट्स टुडे इन इंग्लिश ग्रामर, वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर ट्वेंटी टू एडवर्ब्स. सो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड आंसर द क्वेश्चंस आस्ट बच्चों आपको लिखे गए सेंटेंसेस को पढ़ना है और उसके बाद जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका आंसर देना है फर्स्ट सेंटेंस इज the sun is shining brightly. And a question. Hai? how is the sun shining? and answer is brightly. mohan will go to the museum tomorrow. when will mohan go to the museum? yes, answer is tomorrow. the child is sleeping here. where is the child sleeping? चाइल्ड कहाँ पर जो रहा है हेयर तो बच्चों द अब क्वेश्चन हैव आंसर्ड हाउ वेन एंड वेयर समथिंग हैज हैपन्ड अब बच्चों जो ऊपर क्वेस्स पूछे गए हैं उन्होंने किस चीज़ का आंसर दिया कि कोई भी काम कैसे हुआ कब हुआ और कहाँ हुआ ब्राइटली डिस्क्राइब्स हाउ द सन इज शाइनिंग ब्राइटली ने क्या डिस्क्राइब किया कि सन कैसे शाइन कर रहा है ब्राइटली ब्राइटली शाइन कर रहा है टूमोरो डिस्क्राइब्स वैन मोहन विल गो टूमारो क्या डिस्क्राइब्स कर डिस्क्राइब करता है कि मोहन कब जाएगा हेयर डिस्क्राइब्स वेयर द चाइल्ड इज स्लीपिंग और हेयर किसको डिस्क्राइब करता है कि बच्चा कहाँ सो रहा है तो दीज वर्ड्स हैव डिस्क्राइब्ड द वर्ब्स इन सभी वर्ड्स ने किसको डिस्क्राइब किया वर्ब्स को देखो द सन इज शाइनिंग ब्राइटली यहाँ पर वर्ब क्या है शाइनिंग और उस और ब्राइटली वर्ड ने शाइनिंग को डिस्क्राइब किया सन कैसे शाइन कर रहा है ब्राइटली लाइक दिस मोहन विल गो टू द म्यूजियम इज गो और गो वर्ड को कौन डिस्क्राइब कर रहा है टूमोरो दे आर फॉर ऑल द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब हाउ वेन एंड वेयर समथिंग हैज हैपन्ड आर कॉल्ड एडवर्ब्स तो बच्चों जो वर्ड्स हमें ये बताते हैं कि काम कैसे हुआ कब हुआ और कहाँ हुआ उन वर्ड्स को हम एडवर्ब्स कहते हैं ओके एंड एडवर्ब एड्स टू द मीनिंग ऑफ द व राइट नाउ सी एक्सरसाइज फन एंड सर्कल द एडवर्ब्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलोम बच्चों नीचे लिखे गए सेंटेंसेस में आपको एडवर्ब्स को सर्कल करना है एंड फर्स्ट सेंटेंस इज द बस् स्टॉप्स देयर अब आपको जब भी एडवर्ब्स को फाइंड आउट करना है उस समय आप अपने माइंड में रखेंगे हाउ वैन एंड वेयर आप इन तीन वर्ड से अकॉर्डिंग टू सेंटेंस क्वेश्चन बना के देखेंगे और जिस वर्ड से क्वेश्चन बना वो वही एडवर्ब है जैसे हाउ से बनेगा तो वो हाउ एडवर्ब है अगर वेयर से बनेगा तो वो वेयर एडवर्ब है और अगर वैन से बनेगा तो वो वैन एडवर्ब

रीड और आंसर कैसे रोहन पढ़ता है स्लोली तो स्लोली क्या हुआ यहाँ पर एडवर्ब माय फ्रेंड डांसड नाइसली मेरे फ्रेंड ने नाइसली डांस किया अब यहाँ पर फ्रेंड ने कैसे डांस किया नाइसली तो हमारा आंसर क्या आया नाइसली तो नाइसली यहाँ पर एडवर्ब हुआ आई विजेड माई अंकल यस्टडे मैं अपने अंकल से कल मिला था ओके okay, तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बना वैंडिड आई विजिट माई अंकल सो आंसर इज़ यस्टे सो वी विल सर्कल यस्टे हेयर इसी तरह से बच्चों आपने अपने माइंड में पहले क्वेश्चन बनाना है उसके बाद जो आपका आंसर आएगा वो आपका एडवर्ब होगा ओके okay? आपने इसी तरह से बाकी की एक्सरसाइज को करना है नाउ सी एक्सरसाइज टू कैटेगराइज द एनसर्कल्ड एडवर्ब्स इन द टेबल बिलो नीचे दी गई टेबल में आपको जो ऊपर आपने एडवर्ब्स को सर्कल किया था उन्हें कैटेगराइज करना है ओके नाउ सी फर्स्ट सेंटेंस द बस स्टॉप्स देयर यहाँ पर हमारा एडवर्ब है देयर अब आपने इसे नीचे लिखे गए टेबल में लिखना है अगर वो हाउ एडवर्व है तो हाउ एडवर्व के नीचे वैन एडवर्व है तो वैन एडवर्व के नीचे लिखना है और वेयर एडवर्व है तो वेयर एडवर्व के नीचे लिखना है अब आपको इसे आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी एडवर्व है द बस स्टॉप्स देयर बस वहाँ रुकती है अब हम इसका पहले क्वेश्चन बनाएंगे वेयर डज द बस स्टॉप तो क्वेश्चन किससे बना वेयर वर्ड से तो ये वेयर एडवर्ब होगी इसलिए हम देयर को वेयर एडवर्ब के नीचे लिखेंगे नेक्स्ट सोहन रीड्स स्लोली अब हम फिर से क्वेश्चन फ्रेम करेंगे हाउ डज सोहन रीड अब हमारा क्वेश्चन किससे बना हाउ से

कल मिला था तो अंकल से कब मिला था तो फिर हमारा क्वेश्चन किससे बना वैन से वैन मीन्स कब सो वी विल राइट यस्टरडे हेयर सो चिल्ड्रन ट्राई टू डू रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज योर सेल्फ नाउ सी एक्सरसाइज थ्री फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द एडवर्ब्स गिवन इन द बॉक्स बच्चों यहाँ पर आपको बॉक्स में कुछ एडवर्ब्स लिखी हैं आपने उन्हें नीचे लिखे गए सेंटेंसेस में फिल करना है राइट फर्स्ट सेंटेंस इज एंटर द रूम क्वाइटली द बेबी इज स्लीपिंग नेक्स्ट मिस्टर मिस्टर शर्मा इज ड्रेस्ड स्मार्टली माय सिस्टर शाउटेड एंगरली It has been raining heavily. The children came home happily. Madhu stayed there for a month. The dance teacher will come tomorrow for the practice. We won the match luckily. She sang sweetly. मैथ्स प्रॉब्लम इजिली नाउ सी वर्ड सर्च देयर आर सिक्स एडवर्ब्स इन द ग्रिट रिटर्न वर्टिकली हॉरिजोंटली एंड डाइगनली फाइंड एंड एन सर्कल दैम आपको यहाँ पर सिक्स एडवर्ब्स को फाइंड आउट करना है फर्स्ट इज अब हेयर Openly, today, nicely, and lately. L A T E L Y. Lately. Right? Now, children, do these exercises in your book. Thank you.